केंद्र सरकार की तरफ से कोविड 19 से जुड़ी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई। ये गाइडलाइंस खास तौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं, जिनमें मरीजों की स्क्रीनिंग करने और उन्हें होम आइसोलेशन या कम्युनिटी आइसोलेशन में भेजने पर जोर है। साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात है। क्या कहती है ये गाइडलाइंस, आइए बताते हैं। फ्लू जैसी कोई भी लक्षण दिखने पर मरीज की अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए, इस काम में आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जाए, गांव के सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था की जाए। जिन भी मरीजों में लक्षण दिखें, उनसे CHO लगातार संपर्क में रहे। मरीजों के होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। जिन गांवों में, जिन घरों में होम आइसोलेशन संभव नहीं है, वहां 30 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर तैयार किए जाए, जहां पर आइसोलेशन की व्यवस्था हो। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि संक्रमित और संदिग्ध मरीजों को कतई एक साथ न रखा जाए। कम्युनिटी आइसोलेशन में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। साथ ही ऐसे मरीजों पर लगातार नजर रखी जाए जिन्हें फ्लू है या सांस संबंधी बीमारी। जो भी मरीज होम आइसोलेशन में हो, उन्हें आइसोलेशन किट मुहैया कराई जाए, जिसमें पैरासिटामोल, कफ सिरप, मल्टीविटामिन, मास्क, सैनिटाइजर और ऐसी जरूरी चीज मौजूद रहे। स्कूल टीचर और गांव के मेडिकल स्टाफ जैसे वॉलंटियर्स को बेसिक कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दें, इन्हें पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाए। आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों की मदद से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीमीटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गाइडलाइंस में लिखा है कि पंचायत मरीजों के होम आइसोलेशन को सुनिश्चित करे या फिर कम्युनिटी आइसोलेशन की व्यवस्था करे, और साथ ही इस तरह की व्यवस्था भी करे जहां वो मजदूर आइसोलेट हो सकें, जो कहीं बाहर से आए हैं या किसी बाहर के गांव से आए। स्वास्थ्य विभाग से सलाह के आधार पर पंचायतें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेज करने की दिशा में भी काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को कवर किया जा सके। बता दें कि देश में अभी 36 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 55,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में अब तक कोविड-19 से 2,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।